प्रियंका को अब सुंबुल की चिंता हो रही है। दरअसल उसको इस बात का डर है कि अगर सुंबुल ने अपना गेम नहीं बदला तो बहुत जल्दी उसी के दोस्त उसको नॉमिनेट कर देंगे। प्रियंका जो है मान्या के साथ बैठी थी, अंकित के साथ बैठी थी और ये सारी चीजों को लेकर डिस्कशन हो रहा था। प्रियंका को कल एक पावर मिली थी और उसने सभी के रूम जो है चेंज किए थे। ऐसे में अब वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि सुंबुल जो है क्यों ये नहीं समझ पा रही कि यहां पर उसको गेम खेलने की जरूरत है। प्रियंका जो है मान्या से बात करती हुई नजर आई और कहा कि मुझे लगता है कि बहुत इनोसेंट है, बहुत ही भोली है वो लड़की। मुझे बस लग रहा है कि वो इधर आकर ऐसी स्टूपिडिटी क्यों कर रही है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत ही समझदार होगी, लेकिन वो जो है इधर स्टूपिडिटी कर रही है और अगर उसने अपना गेम नहीं बदला तो वो जो है बहुत जल्दी उसी के दोस्त उसको नॉमिनेट कर देंगे। तो ये बात जो है कहती हुई नजर आई प्रियंका मान्या के साथ। तो कहीं ना कहीं प्रियंका को इस बात की चिंता है कि सुंबुल को अब अपना गेम बदलना चाहिए। इसके बाद प्रियंका ये भी कहती हुई नजर आई कि देखो एक समय ऐसा भी आएगा जब मुझे भी किसी को नॉमिनेट करना पड़ा और अगर सुंबुल ने गेम नहीं सुधारा तो मैं भी उसे नॉमिनेट कर सकती हूँ। मुझे वो लड़की पसंद बहुत है लेकिन वो यहाँ पर स्टुपिडिटी कर रही है, ये बात वो नहीं समझ रही और बार बार उसे लोग समझा रहे हैं उसके बावजूद नहीं समझ रही है और वो अपने गेम को नहीं सुधार रही है। तो इस तरह की बात जो है प्रियंका मान्या के साथ करती हुई नजर आई।